अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको फैब्रिक पेंट के आइडियाज़ दे रही हूँ। आपको कौन से कलर यूज़ करने चाहिए, कैसे आपको ब्रशेज इस्तेमाल करना चाहिए, उनको बाद में कैसे मेंटेन रखना चाहिए, कलर कैसे लॉन्ग लास्टिंग होगा आपका, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इसके आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने डिज़ाइन जो है, सबसे पहले आपको मैं बताती जाऊँ, ये मैंने सिंपल कढ़ाई वाले डिज़ाइन जो है छुपवाए हैं, उनसे मैंने कह दिया मुझे सिंधी या ब्लोची कोई भी जो टांका आपको पसंद डिज़ाइन पसंद है वो छुपवा लें उन्हीं की शॉप से, ये जो हमारे पास बाजार है उसी से मैंने ये कलर्स वगैरह ख़रीद लिए। सारे मैंने कलर्स यूज़ कर लिए हैं। ये देखिए मल्टी शेड के अंदर, ये अब आपको मैंने एक एक कोट किया। कपड़े का जो शेड है वो डार्क है, इसलिए मेरी आपको ये कलर्स वगैरह इतने ज़्यादा ना नज़र आ रहे हों। अब मैं इनको ड्राई करने के बाद इसके ऊपर दूसरा कोट करूँगी, और मैं इसके अंदर हर कलर के अंदर वाइट एम्बॉस जो होता है वो पर्ल वाला, जिसको फैब्रिक पेंट कहते हैं, जो फूल जाता है इस्प्रे करने के बाद, प्रेस करने के बाद, वो वाला हर कलर के अंदर मिक्स करके मैंने यूज़ किया। तो ये देखे मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। मे बी इस डिज़ाइन की अभी इतनी ग्रेस नहीं निकली। अब मैं इस सब की डिज़ाइन की इस गोल्डन पेंट के साथ आउटलाइन करूँगी। सारे फैब्रिक पेंट हैं, और ये देखें फैब्रिक पेंट की मैंने आउटलाइन कर दी बारीकी है, क्योंकि एक बच्ची का छोटा सा मैंने डिज़ाइन शेयर किया आपके साथ। आपका जिस तरह दिल करे, जो सा डिज़ाइन करें आप वो यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक पेंट वगैरह आप कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से डिज़ाइनिंग करने के बाद, और ये मैंने प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद ये फूल चुका है। ये देखें अगर आप गौर से नज़र आ रहे हो, ये डिज़ाइन सारा पर्ल की तरह फूल गया है। ये दूसरा डिज़ाइन मैंने इसी तरह बना लिया, ये देखें, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त जो प्रेस करने के बाद बेहतरीन डिज़ाइन तैयार हो चुका है। ये मैंने इसी तरह एक बड़ी शर्ट जो है उसके ऊपर भी इसी तरह दूसरा डिज़ाइन छुपवा लिया। इसके अंदर मैंने गोल्डन सिल्वर और पैरेट ग्रीन लाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन रखा है। इसके अंदर ये जीन का कपड़ा है, जो कम उतना ही चिकनी है, काफ़ी भारी किस्म का नहीं है, लॉन टाइप का बारीक है, लेकिन ये कि इस मौसम में इस सीज़न में ये चल जाएगा। ये देखिए मैंने ग्रीन के अंदर थोड़ा सा किया, ये बॉस और ये मिक्स करके मैं इसका दूसरा कोट करती जा रही हूँ। ब्रश आपने बारीक रखना है अगर आपका डिज़ाइन छोटा है। मेरा ये ब्रश 0 नंबर का है, मैंने उन्हीं की शॉप से लिया। उन्हीं की शॉप के ऊपर यकीन करें बेहतरीन कलर मिलते हैं, कोई गारंटी नहीं, कोई किसी से भी गारंटी के हवाले से आपको कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर ये बहुत अच्छे कलर हैं, और सबसे बड़ी बात है ये कि वो खुद भी एक ब्लॉग करते हैं, वो ब्लॉक प्रिंटिंग का काम भी करते हैं। जिस जो भी शॉप पे ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता होगा आप उसी से खरीदे और यकीन करें उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मैंने वॉशिंग मशीन में भी ये कपड़े पहले भी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किए हैं, वॉश किए, कोई कलर वगैरह कोई भी जो है ना नुकसान नहीं हुआ। ये देखें अभी मैं आपको दिखा रही थी, ये मैं आपका वो डिज़ाइन दिखा रही हूँ कि ये इस तरह का डिज़ाइन है, और ये मैंने प्रेस करने के बाद ये देखें किया तो आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें जब इस तरह का थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आना लग जाए उल्टी साइड से प्रेस करना है आपने, इसका मतलब है कि आपका डिज़ाइन जो है वो पर्ल्स की तरह यानी कि फूलने लग गया, ये थोड़ा सा उभरने लग गया। तो आप इसको सीधा करके ये देखें, और मज़ीद इसकी फ़ोटोज़ भी मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला जैसे ये स्टिच हो जाएंगे और जब बच्चे ये पहन लेंगे। और आप बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग इसके अंदर वेरिएशन कर सकते हैं, आप कुशन्स के ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मैट्रेस कर सकते हैं, अपने शॉल्स वगैरह के ऊपर, अपने बच्चों की फ्रॉक्स पे, बैग्स पे, वट एवर यू वॉन्ट, बट प्लीज़ खुद करें। क्योंकि खुद जो करने का पहनने का मज़ा है वो इसका तो बयान नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने व्हाइट शर्ट के ऊपर भी रेड एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन किया था, ये मेरी पुरानी शर्ट है, सोचा ये भी दिखा दूँ आपको। ये देखिए माशाल्लाह से इसको मेरे पास 2 से 2.5 साल हो गया, इसका पेंट एज इट इज़ ही है, कोई इसका कलर कहीं से भी फेड नहीं हुआ, कहीं से उतरा नहीं है। इवन कि ये पर्ल्स जो लगाए थे पॉम पॉम भी उतर चुकी है, लेकिन डिज़ाइन जो है बताऊँ कि इसको आपने 1 महीने तक वॉश बिल्कुल नहीं करना और ट्राई करना है। चलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।